जय श्री राम। तो आज की वीडियो में है इवोल्व। इवोल्व का मीनिंग भी हम वर्ड रूट से ही करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इनकी वर्ड रूट। तो इसमें है आपका ई प्लस वोल। ई प्लस वोल से बना आपका इवोल्व। ई क्या होता है? ई का मीन्स जो होता है आउट, एंड वोल का मतलब ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो इस पर बना चुकी हूँ। वोल का मतलब होता है टू रोल, ठीक है, रोल करना किसी चीज़ को, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो इवोल्व का जो मतलब हो गया वो हो गया आपका रोल आउट। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, आप अभी तक आप एक ग्रुप में हो और आप उस ग्रुप में रोल हुए हो। रोल हुए हो मतलब एक तरह से उसमें बंधे हुए हो, ठीक है। तो क्या आप उसमें खुद की मर्जी से डेवलप हो सकते हो, अपने विचारों को डेवलप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने उस ग्रुप से क्या कर लिया, आपने इवोल्व हो गए। ई मतलब आउट, आप उस ग्रुप से क्या हो गए, इवोल्व हो गए। इट मीन्स आप उससे आउट हो गए। तो आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे आप खुद से डेवलप हो गए। तो इवोल्व का मतलब है विकसित होना। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। या आप कह सकते हो टू अनफोल्ड, या फिर आप कह सकते हो ग्रेजुअली डेवलप। आप धीरे धीरे अपने आप में डेवलप हो जाओगे, इट मीन्स विकसित होते हो मतलब हो जाओगे। आई होप अच्छे से आपको इस समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।